दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के युवा गेस्ट टीचर की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलने और उसकी मां की लाश घर में पंखे से लटकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आशंका है कि शिक्षक ने पहले मां की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटकाया और फिर रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 दिन पहले अपनी मां को उसी के बेटे ने कह दिया कि मां तुम खुदकुशी कर लो। इसको सुनकर मां की खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं हुई और अब 1 हफ्ते बाद मां का शव घर पर लटका मिला और बेटे का रेलवे ट्रैक पर। सेंट स्टीफंस कॉलेज का प्रोफेसर एलेन स्टेनले इब्राहिम पीतमपुरा के आशियाना अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि दोनों पर केरल में धारा 302 का एक केस चल रहा था, जिसको लेकर घर में अक्सर मां बेटे का झगड़ा होता रहता था। दोनों ही काफी दिनों से आत्महत्या की प्लानिंग कर रहे थे। वे इस कदर परेशान थे कि आखिरकार उन्होंने मजबूरी में आकर ये खौफनाक कदम उठाया। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दोनों ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया है। नवोदय टाइम्स के लिए कंगना कपूर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।